हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ गीता गुजरात से और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल गीताज ग्रीन गार्डन में। फ्रेंड्स, देखिए मेरे मैनेजर रोज़ कितने अच्छे से खिल रहे हैं, कितनी प्यारी ग्रोथ है इनकी। और ये ऑरेंज रोज़ है। तो आज का टॉपिक है कि फेब्रुअरी मंथ में हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो और हमारे गार्डन में फ्लावरिंग बनी रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा हिबिस्कस का लाइट पिंक कलर का डबल पेटल का प्लांट है। तो इसमें फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन इसकी मिट्टी की अगर हम गुड़ाई करें तो हमें पता चलता है कि सारे रूट्स ऊपर ऊपर आ गई है। तो गमला नीचे कर कर देखने से भी अगर आपको रूट्स नीचे नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि गमले के होल से रूट्स बाहर नहीं आती, तो ऊपर जब हमें सारी रूट्स दिखाई देती हैं इस तरह से, तो हमें पता चल जाता है कि ये रूट बाउंड हो गया। पहले नीचे की तरफ जाती है और फिर सारी रूट्स ऊपर की तरफ आती है। तो देखिए, मैंने इसे 2 दिन पहले से पानी नहीं दिया है, तो ईज़िली बाहर निकल जाती है। और इस तरह से मैं नीचे कपड़ा लगा देती हूँ गमले के नीचे ड्रेनेज होल में, तो ताकि पानी ही निकले, मिट्टी ना निकले। देखिए किस तरह से रूट्स हो गई है। और हमें कुछ इस तरह के आपके यहाँ भी मोगरा के प्लांट होंगे लास्ट ईयर के, ये 2 साल पुराना है। तो देखिए कितना इसकी ग्रोथ है, ये लंबा ही लंबा हो रहा है। तो इसे भी हमें कट करना है, प्रून करना है। और इसकी रिपोर्टिंग तो नहीं करूँगी मैं, लेकिन इसकी गमले की आधी मिट्टी मैं निकाल दूंगी। मिट्टी निकालने के बाद इसमें अच्छी तरह से खाद दूंगी मैं। देखिए इसकी भी सारी रूट्स आ गई है ऊपर, आपको दिख रहा होगा। इसी में मैंने ये कटिंग लगा दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जैस्मिन मोगरा के प्लांट को भी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट करिए। अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है तो इस गमले की आधी मिट्टी निकाल दे, जहाँ तक आपको रूट्स दिखाई देती हैं वहाँ तक। और फिर इसमें अच्छे से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, जो मैं ड्राई मिक्स बनाती हूँ हमेशा, 1 चम्मच सरसों की खली, नीम की खली, बोन मील, DAP के कुछ दाने, इस तरह से मिक्स करके डाल दीजिए। और फिर उसी मिट्टी को आप फिर से उसके ऊपर फिल कर दीजिए और इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको। इसी तरह से आपको रोज़ प्लांट में भी करना है। जो भी आपके पास गुलाब के प्लांट है, यानी कि रोज़ प्लांट, उसकी 1 से 2 इंच की मिट्टी आपको इस तरह से निकाल देनी है। और यहाँ पर जो मैंने ड्राई मिक्स बताया है फर्टिलाइज़र, उसे डालना है। और अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो आप इसे 1 दिन के लिए इस तरह से छोड़ भी सकते हैं, तो ताकि इसकी रूट्स को हवा मिल जाए और इसके रूट्स में कोई भी फंगस या इंसेक्ट्स लगा होगा तो वो निकल जाएगा। और हमें जो ड्राई मिक्स मैंने बनाया है वो डालकर और फिर उसी मिट्टी को फिल कर देना है। तो देखिए, मैंने इसमें तो ये काम कर दिया है। तो देखिए कितने प्यारे अच्छे बर्ड्स आए हुए, किसमें कम से कम 6-7 बर्ड्स तो आई हुई है। और इसी तरह से मैंने सारे रोज़ प्लांट में कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप जो भी आपके पास इंडोर प्लांट से, अगर उसे प्रून करने हैं जैसे आपको लग रहा है, तो उसे प्रून करिए, उसे कटिंग करिए। और उसमें भी आप इस तरह से ड्राई मिक्स, लेकिन इसमें सिर्फ हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसमें कुछ दाने DAP के मिला के डालने हैं। इनमें फ्लावरिंग नहीं होती, इसलिए इनमें SSP, पोटास, इस तरह की कोई भी नहीं डालना। हमें कुछ दाने DAP के गोबर खाद में या वर्मी कंपोस्ट में मिला कर दो मुट्ठी जितना हमें डाल देना है और फिर उसी मिट्टी को फिल कर देना। तो इतनी अच्छी सारी ग्रोथ इनकी चलती रहेगी। फेब्रुअरी मंथ में हमें सारे ये काम करने ही होते हैं। जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं उन्हें हमें फर्टिलाइज़र करना ही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है और जो नई मिट्टी में बनाती हूँ उसी में मैंने इसे फिल कर दिया है। और इसकी मैंने प्रूनिंग 10 से 12 दिन पहले की थी, तो उसकी जो भी कटिंग निकली थी मैंने इस तरह से एक छोटी सी बोतल में पानी भरकर उसमें ये सारी कटिंग मैंने डिप कर दी थी बांध कर। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें रूट्स आ गई है। तो ये एक प्लांट हाइब्रिड हिबिस्कस का है, तो 60 रुपीज़ पर प्लांट हमें मिलता है। तो मेरे पास इतनी सारी कटिंग रेडी हो गई है, तो इसे तो मैं अभी 1 महीने तक इसी तरह से पानी में डिप करके रखूँगी, यानी भिगो कर रखूँगी।
जब इसमें अच्छे से रूट्स आ जाएगी तब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है, अभी इसकी प्रूनिंग नहीं की है, मैं एक हफ्ते बाद इसकी प्रूनिंग करूँगी। और इसे भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। प्रूनिंग और रिपोर्टिंग आप कभी भी साथ में ना करें, क्योंकि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग साथ में करने से प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, उसे बहुत ही शौक लगता है, तो उससे आपका प्लांट मर भी सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ पोर्चुला का और पॉर्सलिन की कटिंग है जो लास्ट ईयर की है, तो उसे मैंने सेव करके रखी थी, तो वहाँ से मैंने निकाल कर इस तरह के जो नर्सरी के ग्रो बैग आते हैं मैंने उनमें इसे लगा दिया है, ताकि इसमें रूट्स स्टार्ट हो जाए, इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, जो डोरमेंसी में होते हैं ये सारे पोर्चुला का और पर्सन, वहाँ से ये निकल जाए और इनके जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए। और कुछ 10-15 दिन इन्हें इस तरह से रखने के बाद मैं इन्हें रिपोर्ट करूँगी कहाँ पर हमें फिर से इन्हें लगाना है वो करूँगी। तो ये भी सारे हमें फेब्रुअरी मंथ में ये काम करने हैं। और आपके पास जो भी पुरानी मिट्टी हो या आपके गार्डन की सॉइल हो, उसे इस तरह से 4 से 5 दिनों के लिए फैलाकर छत में सुखा देना है, ताकि ये सैनिटाइज हो जाए, यानी कि धूप की वजह से इसमें जो भी फंगस या इंसेक्ट हो वो सारे मर जाए और ये सोलराइज हो जाए। तो इस तरह से सारे ही काम हमें फेब्रुअरी मंथ में करने हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही कुछ आपसे शेयर करना था कि मैं इस फेब्रुअरी मंथ में क्या वर्क कर रही हूँ गार्डन में। तो अगर मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ ऐसे नए नए टॉपिक लेके। टेक केयर, बाय बाय।